जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जुहेब रमज़ान भट्टी और मैं खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ अपने YouTube फैमिली को। आज पूरे पाकिस्तान में YouTube को लेकर बात हो रही है। मैं आपको बताऊँ कि YouTube पाकिस्तान में पाकिस्तान की मईशत को किस तरह से इस्तेकाम दे सकता है, किस तरह से दे रहा है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, YouTube पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन के सामने आया है। पूरी दुनिया में यूजर्स जो YouTube के हैं वो रोज बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान या एशिया की हद तक या पूरी दुनिया की हद तक अगर देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त जिस बंदे के पास स्मार्टफोन मौजूद है, इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है, वो YouTube नहीं देखता या उसके पास YouTube की ऐप नहीं है तो ऐसा मुश्किल ही लगता है। पूरी दुनिया YouTube यूज़ कर रही है, और उससे बढ़कर पूरी दुनिया YouTube पर कंटेंट बना बना कर अपलोड कर रही है। एंटरटेनमेंट क्या, शोबिज़ क्या, ट्रैवलिंग व्लॉग्स क्या, कुकिंग क्या, शोबिज़ क्या, मीडिया क्या, न्यूज़, हर चीज़ YouTube के ऊपर इस वक्त मौजूद है। आपको मूवीज़ मिल जाती हैं, आपको ड्रामास मिल जाते हैं, आपको इंफोटेनमेंट मिल जाती है, रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ मिल जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में फुकदान इस वक्त ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त ज़्यादा ग्रोथ वाले चैनल्स जो हैं वो कौन से हैं, वो या तो प्रैंक चैनल्स हैं या फिर इंटरटेनमेंट चैनल्स हैं। पाकिस्तान में इंफोटेनमेंट रिसर्च बेस्ड वीडियोस के ऊपर काम अभी भी नहीं हो रहा, या हो रहा है तो बहुत कम हो रहा है, जो इक्का दुक्का कुछ चैनल्स हैं जो हमें नज़र आते हैं। बींग ए पाकिस्तानी, हम जब वीडियोस को देखते हैं, किसी पाकिस्तानी के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या शेयर करते हैं, या अगर ये सब कुछ ना भी करें, सिर्फ उसके कंटेंट पर जाकर वीडियो एक पूरी देख लें, तो आपको बताऊं आप क्या करते हैं, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपना हिस्सा डालते हैं। वो कैसे? दोस्तों, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसकी अर्निंग डॉलर्स में आती है, और जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको मंथली जो पैसे आते हैं वो डॉलर्स में आते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि YouTube का कंटेंट क्रिएट करने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में डॉलर्स लेकर आते हैं। और आपको तो पता है कि पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क की मईशत में जब डॉलर आता है तो मईशत इस्तेकाम लेती है, मईशत अच्छी होती है, और उसके जो खसारे हैं वो कम होते हैं। जितना डॉलर रिजर्व बैंक्स में ज़्यादा पड़ा होता है उतना ज़्यादा डॉलर का रेट जो रुपीज़ में हो वो कम होता जाता है, इस्तेहकाम मिलता है। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं आप उनको सपोर्ट करें, आप सपोर्ट करेंगे अपने कंटेंट को सपोर्ट करें। मैं ये नहीं कहता यहाँ पर कि आप इंडियन कंटेंट ना देखें, बांग्लादेशी कंटेंट ना देखें, या आप यूएस बेस्ड यूरोपियन बेस्ड कंटेंट ना देखें, देखें, लेकिन पाकिस्तानी कंटेंट जहाँ पे भी आपको नज़र आए, किसी ने भी बनाया हो, उसको कमेंट करें, उसको सपोर्ट करें, उसको सब्सक्राइब करें, उसकी वीडियो को देखें। उससे होगा क्या? उससे दो फायदे होंगे। एक तो उस बंदे का, उस पाकिस्तानी का हौसला बढ़ेगा, वो हौसले के साथ अगली वीडियोज़ बनाएगा, और उसको जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो ऑटोमेटिकली उसको तो मिलेगा, उसका तो फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें डॉलर्स आने शुरू हो जाएंगे अच्छे खासे। जब डॉलर्स आते हैं, जब ये सारे यूट्यूबर्स के डॉलर्स इकट्ठे होते हैं, तो ये एक बड़ी ग्रोथ बनती है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त डॉलर्स की आने की शरह में बहुत पीछे हैं। इस वक्त पूरा जो डॉलर का अगर हम हुजम कैलकुलेट करें तो पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन कुछ 16 बिलियन डॉलर्स के करीब डॉलर्स आते हैं सालाना, बल्कि 16 नहीं 14 के करीब आते हैं। बांग्लादेश हमसे ज़्यादा 2 लाख बिलियन डॉलर ज़्यादा हमसे जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है सालाना। इंडिया उससे कहीं ज़्यादा 80 बिलियन तक की मार्केट बन चुकी है इंडिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कंटेंट, पहले तो मैं पाकिस्तानी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं थोड़ा सा सीरियस होकर काम करें। आप वीडियो जब बनाते हैं तो उस पर एक मेहनत करते हैं, आप एक वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं और गेन करते हैं, आप उस पर अपना टाइम भी देते हैं, तो तब जाके आप गेन करते हैं उसमें से प्रॉफिट भी, और उसके बाद आप सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ भी। थोड़ी सी अपनी कॉन्टेंट पर तवज्जो दें, और जो देखने वाले हैं मेरे जैसे, मैं पाकिस्तानी कंटेंट पर जाके हमेशा कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, सब्सक्राइब करता हूँ और कमेंट्स भी करता हूँ, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दे रहा होता हूँ,
और अच्छा पॉजिटिव फीडबैक देता हूँ। आप भी हमेशा पाकिस्तानी कंटेंट को सपोर्ट करें, पाकिस्तानी कंटेंट को देखें और पाकिस्तानी कंटेंट को हमेशा सपोर्ट करें। होगा क्या कि उससे आप जब पाकिस्तानी चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, उनको देख रहे होंगे, तो वो जो रेवेन्यू होगा वो उन क्रिएटर्स को मिलेगा, इनडायरेक्टली पाकिस्तान को मिलेगा। उनको जब ये रेवेन्यू जनरेट होके मिलेगा किसी भी यूट्यूबर को, ज़ाहिर है कि वो जब अच्छी अर्निंग करेगा तो वो क्या करेगा कि उसे कोई ना कोई बिज़नेस शुरू करेगा। उस बिज़नेस शुरू करने से या उस पैसे की लोकोमोशन से भी या उस पैसे की मूवमेंट से भी क्या होगा कि मज़ीद मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा, पैसे की रेल पेल होगी, पैसा मूव करेगा। जब पैसा मूव करेगा तो खुशहाली के कई दर और नए खुलेंगे। तो इसलिए डिजिटल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, बिगो है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, स्ट्रीम कर है, इसके अलावा फाइवर और इस तरह के जो जहां पे आप काम करके अर्निंग करते हैं। लेकिन यूट्यूब इन सब में से बेहतर इसलिए हुआ है कि यूट्यूब का चैनल हर वो बंदा बना सकता है जो छोटा सा छोटा बच्चा भी है, जिसके पास अगर कोई भी स्किल नहीं है, वो अपने मोबाइल से अगर ट्रैवल करते हुए अपने विलेज का एक व्लॉग बना देता। बहुत सारी हमारी बहनें इस वक्त विलेज व्लॉग्स बनाती हैं और कामयाब हैं, कुकिंग रेसिपीज बनाती हैं और कामयाब हैं उनके चैनल्स। उनको मज़ीद सपोर्ट करें, उनको मज़ीद अप्रिशिएट करें ताकि वो मज़ीद मेहनत के साथ काम करें और हमारी जो मईशत है उसको इस्तेहकाम मिले। अच्छा, यही बात लागू होती है जब हम पाकिस्तान से बाहर जब काम करने जाते हैं या पाकिस्तान से बाहर जब बिज़नेस कर रहे होते हैं। वहाँ पर भी अक्सर हमने देखा है कि हम लोग बींग ए पाकिस्तानी अगले पाकिस्तानी को सपोर्ट कम करते हैं। आप इंडिया, बांग्लादेश, दूसरे कंट्रीज़ की मिसाल दे दें, आपको उस दुनिया में, उन कंट्रीज़ में वो लोग ज़्यादा क्यों मिलेंगे कि वो अपने भाई को, अपनी बहन को सपोर्ट करते हैं, अपने कंट्री मेट को सपोर्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सॉरी टू से कि टांगे खींचते हैं, कोशिश करते हैं कि मेरा काम बन रहा है तो अगले का काम तो बिल्कुल ना बने। तो अगर ये हम प्रैक्टिस छोड़ देंगे, वहाँ पे भी सपोर्ट करेंगे, तो ये जो पाकिस्तानी फॉरेन में जाएंगे कमाने के लिए, तो उससे भी फ़ायदा पाकिस्तान की मईशत को होगा। तो वो भी करें और पाकिस्तानी कंटेंट को सपोर्ट भी करें। मेरा इतना सा पैगाम था। मेरा ख्याल है कि आप लोग इस पर आज से ही इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। कहीं पे भी यूट्यूब पे जाएंगे, पाकिस्तानी कंटेंट नज़र आएगा, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, लाइक करेंगे। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब करना उसको कितना फ़ायदा दे सकता है या उस कंटेंट क्रिएट करने वाले को कितना बेनिफिट दे सकता है और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को बाद में कितना बेनिफिट दे सकता है, आप इस पे ज़रा सोचिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।